हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर की सोशियोलॉजी का यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 पर आज हमारी पहली वीडियो होने वाली है। यूनिट नंबर 6 तक ऑलरेडी हमने पूरा कंप्लीट करवा दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज चैनल पर विजिट करके जरूर देख लीजिएगा। यूनिट नंबर 6 तक पूरा कंप्लीट है। ओके, तो आज है हमारा यूनिट नंबर 7 का पहला दिन। तो यूनिट नंबर 7 कह रहा है कि जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या में वृद्धि और इस पर नियंत्रण, ये सारे टॉपिक्स हमको कवर करने हैं किसमें, यूनिट नंबर 7 में। तो सबसे पहला टॉपिक जो आज हम उठा रहे हैं वो है भारत में जनसंख्या, क्योंकि किसी भी दुनिया में समाज में जनसंख्या का जो इम्पैक्ट है डायरेक्टली वहां के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संगठन पर डायरेक्टली पड़ता है। किसी भी देश की जनसंख्या ज्यादा है कम है, उससे उसकी राजनीति, उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी सामाजिक स्थिति बहुत ज्यादा ही डिपेंड करती है उन चीजों पर कि किस तरीके से वहां की जनसंख्या है, किस तरीके से वहां पे लोग हैं। तो कुछ फैक्टर्स को आइए देखते हैं भारत में जनसंख्या को लेकर के। जन्म दर और मृत्यु दर, देखो अगर किसी राज्य में जन्म दर ज्यादा है तो उस राज्य की जनसंख्या अपने आप बढ़ जाएगी। अगर जन्म ज्यादा लोगों का हो रहा है तो जनसंख्या बढ़ेगी, और अगर जन्म दर उनका कम है, सॉरी जन्म दर है, मृत्यु दर ज्यादा बढ़ जाता है, तो मृत्यु दर बढ़ने से जनसंख्या कम होगी। जन्म दर ज्यादा बढ़ने से जो है यंग लोगों की जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगी, और मृत्यु दर ज्यादा बढ़ने से जो है बूढ़े बुजुर्ग जो अनुभवी लोग हैं उनकी संख्या समाज में कम होने लगेगी। तो अलग अलग तरीके से हर एक चीज का अपना इंपैक्ट है कि जन्म दर और मृत्यु दर इस तरीके से डिफाइन किया जा सकते हैं कि जन्म दर अगर बढ़ रहा है तो जनसंख्या बढ़ेगी, जन्म दर कम हो रहा है तो जनसंख्या थोड़ी लिमिट में रहेगी, मृत्यु दर अगर ज्यादा बढ़ जा रहा है तो समाज में जो बुद्धिजीवी अनुभवी लोग हैं उनकी संख्या जो है कम पड़ जाएगी। तो इस तरीके से कहा जा सकता है। अगला चीज है आप्रवास और उत्प्रवास। आप्रवास और उत्प्रवास भी जनसंख्या को इंपैक्ट करते हैं। आप्रवास का मतलब क्या होता है कि आप्रवास में यह होता है कि कोई दूसरी जगह से, दूसरी कंट्री, दूसरे देश, दूसरे समूह से आकर के हमारे देश में बस जाए, तो वो हो गया आप्रवास कि कोई कहीं और से आकर के हमारे देश में बस रहा है, ये आप्रवास हो गया। इससे क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगी, कोई और आकर के हमारे यहाँ बस रहा है, हमारे यहाँ रह रहा है, जनसंख्या बढ़ जाएगी, जैसे कि जन्म दर से बढ़ता है। उत्प्रवास में क्या होता है कि हम अपनी जगह छोड़ करके कहीं और, किसी और देश में किसी और काम की वजह से शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये उत्प्रवास हो गया, तो इससे क्या होती है, जनसंख्या कम होती है। कई बार क्या होता है कि जब ये आप्रवास और उत्प्रवास हो रहा होता है ना, तो जो जनसंख्या में जो जेंडर का इक्वेशन है वो खराब हो जाता है, समझ रहे हैं, जनसंख्या में जो जेंडर का इक्वेशन है वो खराब हो जाता है। कि जैसे कि अगर उत्प्रवास की बात किया जाए तो मैक्सिमम टाइम पर पुरुष उत्प्रवास करते हैं, वो अपनी अर्निंग्स के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने कैरियर के लिए अपना देश, अपना जगह छोड़ करके दूसरी कंट्री में जाते हैं, तो इससे जो है थोड़े टाइम के लिए स्त्रियों का जो टाइम पीरियड है वो ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब स्त्रियों की जो सिचुएशन अनुपात है वो ज्यादा बढ़ जाता है। अगला है आपका आयु समूह भी डिपेंड करता है कि किस तरीके की आपकी जनसंख्या होगी। जनसंख्या में अगर जन्म दर ज्यादा है तो आयु समूह कौन सी होगी, बच्चों वाली आयु समूह होगी, यंग की आयु समूह होगी। अगर मृत्यु दर ज्यादा है तो इन्हीं की संख्या ज्यादा होगी, यंग ज्यादा होंगे और जो अनुभवी लोग हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी। लेकिन अगर मृत्यु दर कम हो गई है और जन्म दर भी कम हो गया है, मृत्यु दर भी कम है, तो इससे क्या होगा, अनुभवी लोग ज्यादा हो जाएंगे, यानी कि वृद्ध लोग ज्यादा हो जाएंगे, तो समाज एक कठोर नियमों पर चल रहा होगा, मतलब वहां पर यंग, ये रिस्क, ये सारी चीजों की मतलब कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी, वो एक बहुत स्ट्रांग, बहुत ही जिद्दी वाला, बहुत ही एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन जो है लेके आएंगे आपके सामने। तो आयु समूह भी किसी भी जनसंख्या का पूरा लाइफ स्टाइल डिसाइड करने में हेल्प करता है। अगली चीज आ गया स्त्री पुरुष का अनुपात। स्त्री पुरुष का अनुपात भी किसी देश की जनसंख्या को डिफाइन करता है। कई बार ऐसे सिचुएशंस आ जाती हैं जहां पर इस जनसंख्या में जो है बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे अगर आप इंडिया की बात करोगे तो इंडिया में जो 2011 की जनसंख्या जनगणना हुई थी, उस जनगणना में पता चला कि हर भारत में 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं, मतलब 1000 पुरुष हैं तो 943 महिलाएं, मतलब अगर इस केस में देखा जाए तो लगभग जो है 57 पुरुष ऐसे होंगे जिनके पास महिलाएं नहीं होंगी जिनके साथ जीवन जीने के लिए, मतलब वो इक्वेशन थोड़ा सा गड़बड़ था। अभी 2021 में जनसंख्या की जो जनगणना थी वो नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ द कोविड। अभी धीरे धीरे जनसंख्या की जो जनगणना है वो चालू है, अब देखते हैं कि क्या रिपोर्ट अब आगे आने वाले टाइम पीरियड में हमें देखने को मिलता है। अगला चीज है आपका जनसंख्या और आर्थिक परिवर्तन। किसी भी देश की जनसंख्या उसकी आर्थिक स्थिति को इंपैक्ट तो करती है। अगर किसी देश की जनसंख्या बहुत यंग है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है और उनको एक दिशा मिल जाती है तो अपने देश की आर्थिक व्यवस्था को बहुत मजबूत दे सकते हैं। पर अगर किसी देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है लेकिन उनमें काम करने वाले लोगों की या काम करने की इच्छा की बड़ी कमी है,
तो वही जनसंख्या उस देश के लिए बहुत बड़ी संकट बन जाएगी कि यार इनको खिलाए पिलाए कैसे, इनका जीवन यापन कैसे करें, इनको लाइफ में सुविधाएं बेसिक जो नीड्स हैं वो पूरी कैसे करें। तो दोनों ही सिचुएशन में जनसंख्या आर्थिक जीवन को इम्पैक्ट करती है। अगर ज्यादा जनसंख्या है और ज्यादा जनसंख्या ज्यादा एफर्ट कर रही है, ज्यादा काम कर रही है, तो उस देश की इकोनॉमी अपने आप डेवलप करेगी। अगली चीज है आपका सामाजिक संगठन और जनसंख्या। सामाजिक संगठन और जनसंख्या भी कनेक्टेड है कि जिस तरीके की सामाजिक संगठन आपकी लाइफ में होंगी, जिन संगठनों से आप जुड़े होंगे, उनकी क्या आइडियोलॉजी है, उस हिसाब से आपकी जनसंख्या भी डिफाइन होगी। जैसे कि अगर आप देखोगे अभी आज मॉडर्न टाइम पीरियड में जो लोग नए समाज के साथ जुड़ चुके हैं, उनको पता है यार बहुत ज्यादा जनरेशन या जनसंख्या बढ़ रही है, तो अपनी आने वाली पीढ़ियां कम ही रखते हैं। तो अभी ज्यादातर आप देखोगे तो एक बच्चे, दो बच्चे, तीन बच्चे मैक्स टू मैक्स। बट अभी आप भी ऐसे संगठनों में देखेंगे या ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे जहां जनसंख्या की पता ही नहीं है कि ये भी है क्या है, उन्हें पता ही नहीं है। वो चीजें होती रहती हैं, 8-10 पता नहीं कितने कितने। तो सामाजिक संगठन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं किसी देश की जनसंख्या को डिफाइन करने में। राजनीति और जनसंख्या भी एक दूसरे पर कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, क्योंकि चाहे वो राजतंत्र रहा हो, प्रजातंत्र हो, साम्यवाद हो, इन सब में कहीं ना कहीं जनसंख्या की इंपॉर्टेंस होती है। अगर प्रजातंत्र है तो जिसकी जनसंख्या ज्यादा है, जिस विचारधारा की जनसंख्या ज्यादा है, वो लोग उसको वोट करेंगे और वो जीत जाएगा। तो प्रजातंत्र के लिए, राजनीति के लिए भी जनसंख्या इंपॉर्टेंट है। अगर वो जनसंख्या उनके फेवर में है तो उनके लिए ठीक है, उनके अगेंस्ट में है तो वही जनसंख्या उनके लिए दिक्कत भी कर देगी। तो जनसंख्या और राजनीति भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगली चीज आ गया युद्ध और जनसंख्या। युद्ध और जनसंख्या को एक तरीके से कनेक्टेड माना गया है, क्योंकि कहा जाता है कि यार युद्ध जो है ना, युद्ध में अगर जनसंख्या ज्यादा हुई तो युद्ध में लड़ भिड़ करके जनसंख्या कम भी होती है। और यह चीज भी देखा गया है कि पिछले दो जो महायुद्ध हुए हैं ना, वो जनसंख्या के कारण ही हुए हैं। जनसंख्या बढ़ोतरी के कारण क्या होता है कि हमारे पास वो अपने जनसंख्या को फीड करने के लिए वो चीजें नहीं हो, वो सर्वाइवल करने के लिए चीजें नहीं होती है, तो दूसरे पर आक्रमण करते हैं कि वहां से चीजें लेके आएंगे जिससे कि चीजें हमारी ठीक हो सकती है, हमारी सिचुएशंस ठीक हो सकती है। तो यह भी एक युद्ध का कारण बन जाती है जनसंख्या। अगली चीज है आपका क्रांति और जनसंख्या। मैक्सिमम टाइम पर जब जनसंख्या में अचानक से या तो बढ़ोतरी होती है या डाउनफॉल जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्रांति उत्पन्न होती है, क्योंकि वो जो एक अस्थाई जीवन चल रहा होता है, एक अस्थाई तौर तरीका चल रहा होता है जीवन जीने का, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं, जब जनसंख्या में उथल पुथल होती है ना, तो इसमें क्रैशेज आ जाते हैं, क्रांतियां यहां से स्टार्ट होती हैं, और उसमें लड़ाई झगड़े और भी तरह तरह की चीजें, राजनीतिक तख्ता उलट पलट, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें भारत में जनसंख्या को लेकर के, तो ये सारे रीजंस ये कहीं ना कहीं जनसंख्या को कनेक्ट करते हैं, जनसंख्या को डिफाइन करते हैं, जनसंख्या के बारे में बात करते हैं। तो ये सारे रीजंस के बारे में समझना सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। ओके, तो ये था हमारा डे नंबर 1। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड आने वाली वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, डे 2 में।